सत श्री अकाल दोस्तों, बस 5 मिनट में तुहाडा फिर तो बहुत बहुत निघा स्वागत है। सैंटियागो की गल चल रही है। सैंटियागो विच एक बहुत दिलचस्प घटना वापरी जिदा मैं तुहाडे नाल जरूर सांझ करनी चाहवांगा। 4 वरे पहला जो मैं लीमा पैन अमेरिकन गेम्स से गया सी, उत्थे मेरी मुलाकात हुई सी चिली दे एक साइकोलॉजिस्ट नाल। वो मुलाकात इस करके खास बन गई सी क्योंकि ये जिहड़े साइकोलॉजिस्ट ने बहुत लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो मैनू देख के बहुत खुश होए एंड मैंने जैकी पा के मिले और मेरे नाल उन्होंने उस वेले कई फोटो खिंचाइया। तो मैं बड़ा दिलचस्प लग्या कि चिले विच इन्नी लंबी दाढ़ी रखने वाले भी सज्जन हैं, तो वह चिले की जिहड़ी एथलैटिक्स टीम है वो साइकोलॉजिस्ट ने वो नाल रहिंदे ने। और जो मैं इत्थे आया सैंटियागो तो कल वो मेन प्रेस सेंटर जिन्होंने MPC कहते हैं उत्थे आए, तो आके फिर मैं मिले कि मैं पूछने लगे तुम्हें याद है कि असी मिले सा 4 साल पहला। मैं जी बिल्कुल याद आ, तुहाडा मैं फोटो भी खिंचाई थी। और फिर कहने लगे हाँ अज मैं तुहाडे नाल फिर फोटो खिंचाउणी है, देखो मैं 4 साल विच किन्ना बदल गया। मैं जी तुसी बिल्कुल नहीं बदले, दाढ़ी सगो तुहाडी 1-2 इंच लंबी होर हो गई है। और तो मैं उन्होंने पूछा तुसी क्यों दाढ़ी रखी है, वो कहते बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो ये बारे तो मैं एवें मैंने एक दिन शौक चढ़िया कि मैं दाढ़ी रखनी है और मैं दाढ़ी रख ली और मैं अज पूरे 5 साल हो गए ने। मैं 2018 दाढ़ी वधानी शुरू की सी, उस तो बाद मैं कदे शेव नहीं की और मैं ये दाढ़ी वधांदा रहा और इस वेले मेरी दाढ़ी इन्नी लंबी हो गई है। और मेरा हले कोई इमीजिएट कोई प्लैन भी नहीं कि मैं अपनी दाढ़ी तो कोई मैं शेव करनी है या कुछ करना है, मैं तो ये रखनी चाहाँगा क्योंकि इन्हें मैंने एक नवी पहचान दिती है। तो बड़ी इंट्रस्टिंग लगी तो चिले में कुछ लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ लोग मैं देखे जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है और काफ़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई है। खास करके हुण ये जिहड़े मिचल टेक्सियर इन्हों का नाम है साइकोलॉजिस्ट, और जे कुछ मेरे पुराने दोस्त ने उन्हें याद होएगा कि मैं 2019 जो मैं लीमा आया सी उदों भी उन्हां नाल मैं एक फोटो कैरी की सी अपने फेसबुक पेज पर। सो अज उन्हां नाल मैं मुलाकात की, बड़ियां दिलचस्प गल्लां होईयां और मैंने बड़ी हैरानगी हुई कि ये उन्हां दियां 7वीं पैन अमेरिकन गेम्स ने। उन्होंने विनीपैग दियां गेम्स भी गए सन, टोरोंटो भी गए सन, लीमा भी गए सन, तो होर कंट्रियां भी गए ने, रियो भी गए सन। और ये 7वीं वार है कि वो ओलंपिक पैन एम गेम्स विच एज चिलियन एथलैटिक टीम दे साइकोलॉजिस्ट वालों आउंदे ने और हर खेडां दा पूरा वो आनंद माणदे ने। मैं उन्होंने पूछा कि तुसी डॉक्टर हो, वो कहिंदा नहीं डॉक्टर नहीं हाँ मैं साइकोलॉजिस्ट हाँ, और मैं टीम दी जिहड़ी एथलैटिक्स दी खास करके उन्हां एथलीटां नाल इंटरैक्ट करता रहना जिन्हां दे कंपीटिशन होना हुंदा है, और आफ्टर कंपीटिशन भी मैं उन्हां दी काउंसलिंग करदा क्योंकि कई बार कई एथलीट अपने परफॉर्मेंस तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंदे तो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उन्होंने फिर मोटीवेट करना, उन्हां दा मोरैल हाई करना ये मेरा काम है। और कंपीटिशन तो पहला भी मैं उन्हां दे नाल टाइम स्पेंड करदा, उन्हां दा मोरैल बूस्ट करदा, तो उस तो बाद कंपीटिशन के बाद भी जी मेरी सैशन होंगे उन्होंने एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। सो उन्होंने कहने अनुसार साइकोलॉजिस्ट की खेडों में बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है, और वो रोल सिर्फ जोड़े क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट ही प्ले कर सकते हैं। कई टीमों नाल कई सैल्फ स्टाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लग जाते हैं, उन्होंने कहना कि वो नुकसान होंगे कोई फायदा नहीं होंगे। सगों एथलैटिक्स क्योंकि हुण कंपीटिशन का जिहड़ा जमाना है, कंपीटिशन इन्ना सवीयर हो गया है कि बिल्कुल बारीकियां नाल ही कंपीटिशन, जे तुसी पूरी तैयारी करते हो, बारीकी नाल तैयारी करते हो, मैंटली तुसी और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो तो ही तुसी कंपीटिशन में चंगा परफॉर्म कर सकते हो। इस करके साइकोलॉजिस्ट का रोल जिहड़ा आ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस उन्हां दा यही कहना सी कि इस कारण करके ही मैनू बार बार मौका मिल रहा है कि मैं पैन अमेरिकन गेम्स या होर वड्डे कंपीटिशन या ईवन ओलंपिक्स विच वी चिलियन टीम दे नाल जा सकण दा मैनू चांस मिलता रहिंदा।
ਸੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਚਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕੁਛ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕੁਛ ਪੋਰਟੋਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਿਚਲ ਟੈਕਸੀਅਰ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਬਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ